कहते हैं कि एक राजा होने के लिए बहादुर योद्धा, भुजाओं में बल और शासन करना बखूबी आना चाहिए, तभी तो राजा अपने राज्य में अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को बरकरार रख पाएगा। ये तो रही हम इंसानों जगत की बात, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जंगल के राजा की। जी हाँ, कहते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है जो कि एक बहादुर योद्धा है, चालबाज है, फ्लेक्सिबल है और तेज तरार भी। लेकिन उसी जंगल में बहुत सारे ऐसे भी जानवर होते हैं जो कि शेर की हर चाल को मात दे सकते हैं। लेकिन आज हम उन तमाम जानवरों की बात ना करते हुए सिर्फ टाइगर की बात करेंगे। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर शेर ही क्यों जंगल का राजा माना जाता है, टाइगर क्यों नहीं, जबकि कुदरत ने टाइगर को भी उसे जज्बे, फ्लेक्सिबिलिटी और हंटिंग टैक्टिक्स से नवाजा है जो कि पलक झपकते ही शिकार को ठिकाने लगाना बखूबी जानते हैं। तो फिर ये टाइगर के साथ नाइंसाफी क्यों, आखिर क्या वजह है कि टाइगर जंगल का राजा नहीं बन सकता, वहीं पे ये शेर में ऐसी क्या क्वालिटीज होती हैं जिस वजह से उसे राजा की उपाधि मिली है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो सवालों के जवाब गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ये जान लें कि ये दोनों जानवर बिल्ली प्रजाति से ही संबंध रखते हैं, जबकि लॉयन वाइल्ड कैट का दूसरा सबसे बड़ा मेंबर माना जाता है। वहीं पे ये टाइगर इस मामले में शेर को पीछे छोड़ देता है। टाइगर बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा वाइल्ड कैट माना जाता है। अगर वहीं हम इनकी वजन की बात करें तो टाइगर का वजन करीब करीब 300 किलोग्राम तक का हो सकता है, वहीं पे शेर का वजन 230 किलोग्राम तक का हो सकता है। जबकि इन दोनों के आकार की बात करें तो पूरी तरह से विकसित शेर की लंबाई करीब करीब 5 से 6 फीट होती है, जबकि टाइगर की लंबाई 11 फीट मानी जाती है। इन आंकड़ों को देखने के बाद ये हम कह सकते हैं कि टाइगर निसंदेह शेर से आकार व वजन में बड़ा होता है। वैसे तो शेर दिखने में काफी क्रूर व भयानक लगते हैं, जबकि बाघ सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि शेर जंगल में घूमते हुए अगर एक दहाड़ मार देते हैं तो जंगल में मौजूद सभी जानवरों की पसीने छूट जाते हैं, और यही वजह है कि शेर साहस, पराक्रम और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि जब टाइगर एक बार जंगल में दहाड़ लगा देता है तो उसकी दहाड़ की गूंज करीब करीब 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, लेकिन वहीं पे शेर इस मामले में टाइगर को मात दे देता है। कहते हैं कि जब शेर दहाड़ता है तो उसकी गूंज करीब करीब 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। तो चलिए हम बात करते हैं अब इनकी लाइफ स्टाइल की। वैसे तो शेर को मनमौजी और ऐशप्रस्त जिंदगी जीने में बड़ा ही मजा आता है, जो कि ग्रुप में रहना बेहद ही पसंद करते हैं। वहीं पे इसके विपरीत है टाइगर, जो कि पूरी तरह से सॉलिटरी एनिमल होते हैं, जिन्हें अकेले रहना बेहद ही पसंद है। आमतौर पे लॉन्च ग्रुप को प्राइड कहा जाता है, जबकि टाइगर्स ग्रुप को अम्बुश या स्ट्रीक कहा जाता है। हालांकि टाइगर्स को ग्रुप में कभी कभार ही देखा जाता है। आमतौर पर ये दोनों वाइल्ड कैट फूड चेन के टॉप प्रेडेटर्स होते हैं, जो कि पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं। अगर वहीं हम इनके निवास स्थान की बात करें तो शेर ज्यादातर सवाना के जंगलों में पाए जाते हैं, वहीं पे टाइगर घास के बड़े मैदानों साइबेरिया, इंडिया और साथ ही साथ चाइना के वेटलैंड्स में रहना बेहद ही पसंद करते हैं। अगर वहीं हम इनके हंटिंग स्किल की बात करें तो ये दोनों जानवर अपने हंटिंग स्किल के बेताज बादशाह होते हैं, जो कि शिकार को चारों खाने चित करना बखूबी जानते हैं। आमतौर पर शेरों के झुंड में ज्यादातर शिकार शेरनियां ही करती हैं, जबकि टाइगर अकेले ही शिकार पे निकलता है और अपने खाने का बंदोबस्त खुद ही करता है। आमतौर पर टाइगर को छुप छुप कर शिकार करने में महारत हासिल है, जो कि ये पहले शिकार पे घात लगाते हैं, फिर ये कुछ ही सेकंड्स में शिकार पे अटैक कर उसे मौत के घाट उतार देते हैं, जबकि शेर ज्यादातर शिकार झुंड में ही करना पसंद करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि शेर एक दिन में करीब करीब 20 घंटे सोते हैं, जबकि शेरनियों द्वारा किए गए शिकार पे पहले खाने का अधिकार इन्हीं का होता है। वहीं पे शेर वहां से अपने बच्चों के साथ साथ अपने इलाके की सुरक्षा में हमेशा तैनात खड़े रहते हैं, जबकि इन्हें शिकार करने में कुछ खास दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभार ये भी जो अपने हंटिंग टैक्टिक्स का कमाल दिखा ही देते हैं। वहीं हम टाइगर की बात करें तो इन्हें शिकार को ठिकाने लगाने में किसी भी साथी व झुंड की जरूरत नहीं पड़ती। ये भारी भरकम शरीर वाले जीव शेर से कहीं ज्यादा ताकतवर और फ्लेक्सिबल होते हैं, जो कि एक ही बाइट में शिकार को लहूलुहान कर देते हैं। आमतौर पर शेर और बाघ की हंटिंग टैक्टिक्स एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है, जो कि ये दोनों वाइल्ड कैट शिकार के गर्दन को ही निशाना बनाते हैं और उन्हें घुट घुट कर मरने पे मजबूर कर देते हैं। अगर वहीं हम इनके बाइट फोर्स की बात करें तो शेर 600 PSI बाइट फोर्स से शिकार पे अटैक करते हैं, जबकि टाइगर यहाँ भी शेर को पीछे छोड़ देता है। आमतौर पर टाइगर 1050 PSI बाइट फोर्स से शिकार पे अटैक करते हैं, जिसके बाद शिकार का पैरालाइज होना लाजमी है। वैसे तो कुदरत ने इन दोनों जीवों को खूंखार जबड़े, बेहतरीन हंटिंग टैक्टिक्स और बेमिसाल जज्बे से नवाजा है, जो कि एनिमल किंगडम में एक अलग ही रुतबा कायम करते हैं। अगर वहीं हम इनके रनिंग स्पीड की बात करें तो टाइगर 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की असीम क्षमता रखते हैं, जबकि शेर 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। अगर वहीं हम इनके आहार की बात करें तो ये दोनों जानवर पूरी तरह से कार्निवोरस होते हैं। आमतौर पर शेर ज्यादातर बड़े जानवरों का ही शिकार किया करते हैं, जैसे वाइल्ड बीस्ट, ज़ेब्रा और साथ ही साथ जंगली भैंसों का भी शिकार किया करते हैं। वहीं पे शेरनियां हिरन, वॉर्थॉग, बारहसिंगा और भी ऐसे ही छोटे जानवरों का अपना निशाना बनाते हैं, जबकि टाइगर भी हिरन, सुअर और जंगली भैंसों का ही शिकार किया करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ये दोनों वाइल्ड कैट रात के वक्त हम इंसानों से 6 गुना बेहतर देख
देख सकते हैं। और यही वजह है कि खूंखार जानवर ज्यादातर रात के वक्त ही शिकार करते हैं ताकि शिकार को उनकी मौजूदगी का भनक तक ना लगे और ये शिकार को आसानी से अपनी गिरफ्त में ले सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि शेर अपने शिकार को मारकर दफना देते हैं और फिर भूख लगने पे उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। हालांकि टाइगर ऐसा नहीं करते, वे पूरी तरह से ताजा मांस ही खाना प्रेफर करते हैं। एक्सपर्ट की माने तो टाइगर एक दिन में करीब करीब 27 किलोग्राम तक का मांस आसानी से खा सकते हैं, जबकि शेर एक दिन में करीब करीब 5 से 7 किलोग्राम तक का मांस खा सकते हैं। अगर वहीं हम उनकी शारीरिक बनावट और रंगों की बात करें तो टाइगर एक भारी भरकम शरीर वाला स्वस्थ व फुर्तीला जानवर होता है, जिसके शरीर पे काले रंग की पट्टियां बनी होती हैं, जबकि यह नारंगी, सुनहरा और साथ ही साथ सफेद रंगों में भी पाए जाते हैं, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत होते हैं। वहीं हम शेर की रंगों की बात करें तो ये भूरे, रेतीले और कभी कभार हल्का सिल्वर कलर में भी देखे जाते हैं। मेन लॉयंस में उनके गर्दन के लंबे बाल इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं, जिसे अयाल कहा जाता है। आमतौर पर शेर एक वर्टिकल पोजीशन में करीब करीब 10 फीट ऊंचा छलांग लगा सकते हैं, जबकि टाइगर 16 फीट ऊंचा छलांग लगाने की असीम क्षमता रखते हैं। हालांकि टाइगर की टांग घोड़े के ही समान मजबूत होते हैं और यही वजह है कि ये वे विशाल जीव अपने पूरे शरीर का वजन अपनी 2 टांगों पे ही टिका पाते हैं। वैसे तो टाइगर की दुनिया भर में करीब करीब 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से बंगाल टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, मलयान टाइगर और साथ ही साथ साइबेरियन टाइगर इनकी उप प्रजाति माने जाते हैं, जबकि जावन, भालू और कैस्पियन टाइगर अब विलुप्त के कगार पे आ चुके हैं। और ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु भी माना जाता है। लंबाई में 11 फीट तक बढ़ने वाले ये जानवर वजन में 300 किलोग्राम तक के हो सकते हैं, जबकि ये पानी के काफी अच्छे तैराक भी माने जाते हैं। आमतौर पर बंगाल टाइगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की असीम क्षमता रखते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि टाइगर को ही भारत का राष्ट्रीय पशु क्यों घोषित किया गया, शेर को क्यों नहीं? तो ये बात है सन 1973 की, जब अंग्रेज भारी मात्रा में टाइगर का शिकार किया करते थे, तब भारत सरकार को टाइगर की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि सदी की शुरुआत में टाइगर की संख्या करीब करीब 40,000 से भी ज्यादा थी, जबकि सन 1973 आते आते बाघों की संख्या घटकर 1820 हो चुकी थी। तब भारत सरकार ने बचे हुए टाइगर्स को बचाने के लिए बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया और साथ ही साथ ये भी घोषणा किया कि जो भी टाइगर का शिकार करता हुआ पकड़ा जाएगा उसे गंभीर रूप से दंडित किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि टाइगर से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर ही था। अगर हम इस समय भारत में कुल बाघों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या करीब करीब 3,000 के आसपास हो चुकी है, जो कि हमारे देश के लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर शेर को इस जंगल का राजा क्यों कहा जाता है, टाइगर को क्यों नहीं? जबकि इस वीडियो में हमने साफ तौर पे देखा कि टाइगर हर मामले में शेर को पीछे छोड़ देता है, तो फिर वजह क्या है? आखिरकार शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? तो आपको बता दूं कि शेर एक सामाजिक जानवर होते हैं, जबकि इस मामले में टाइगर शेर से मात खा जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से सॉलिटरी एनिमल होते हैं, इन्हें तो बस अकेले रहना ही पसंद है। वहीं पे शेर एक संवेदनशील जानवर होते हैं, जो कि अपने बच्चों और इलाकों के लिए हमेशा तैनात खड़े रहते हैं, जिन्हें अन्य जानवरों पे शासन लगाना बखूबी आता है। वहीं पे टाइगर में ऐसे कोई क्वालिटीज नहीं है जिससे इन्हें जंगल का राजा कहा जा सके। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? आपके अनुसार जंगल का राजा किसे होना चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो जरा भी नॉलेजबल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वहीं पे अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो खैर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।